हेलो गाइस, तो चलिए देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा चिमनी है। तो आज जो जिस चिमनी के बारे में बात करेंगे, तो कुचिना आप अगर आपका घर में अगर कुचिना ट्रेंडी चिमनी है, उसका अगर मोशन सेंसर काम नहीं कर रहा है, इस प्रकार हाथ घुमा रहे हैं तो आपका अगर चिमनी का मोशन सेंसर अगर काम नहीं कर रहा है, मतलब जो जेस्चर है वो अगर काम नहीं कर रहा, तो कौन सा कारण है जैसे कि वो काम नहीं कर रहा है, इस वीडियो में वही चीज़ बताएंगे आपको क्या करना चाहिए इसके रिगार्डिंग, ठीक है, कि जिससे कि आपका जो जेस्चर है वो भी ठीक हो जाए, ठीक है। तो सभी डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जो है उसको दबा लीजिए, एंड वीडियो को ज़्यादातर ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, कि फिर होगा क्या, आपको इसी प्रकार का आगे भी हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर देखिए, जब भी आप चिमनी सबसे पहले क्या करते क्या है, आपका अगर प्लग दे दिए हैं, स्विच वगैरह दे दिए हैं, तो सबसे पहले आप करते क्या है, इस प्रकार हाथ घुमाते हैं तो आपका काम नहीं, फिर दोबारा करते हैं काम नहीं होती, इस बार कर रहे काम नहीं है, इस साइड से भी कर रहे, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन आप जब टच में कर रहे हैं तब टच में आपका काम हो रहा है, मतलब आपका जो स्विच पैनल है, ये जो टच पैनल है इसे स्विच पैनल कहा जाता है, तो ये आपका ठीक है, मतलब आपका टच काम कर रहा है, बाकी जितना भी स्विच वगैरह है, लाइट का हो चाहे पावर बटन का हो, जितना भी है लो मीडियम हाई स्पीड सभी काम कर रहा है, ओनली सिर्फ आपका क्या काम नहीं कर रहा है, जेस्चर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइम में आपको करना क्या है, एक चीज सबसे पहले जो चीज ध्यान देना है, इसमें एक चीज दिया रहता है जेस्चर लॉक सिस्टम है, जेस्चर लॉक मतलब आप जेस्चर को लॉक कर सकते हैं, ये जो मोशन सेंसर है इसे आप लॉक कर सकते हैं। लॉक अगर आपने कर दिए होंगे या फिर किसी ने गलती से वो चीज़ कर दिया होगा, देन आपका सेंसर काम नहीं करेगा, आप जितना भी करेंगे जब तक आप उसको डीएक्टिवेट नहीं करेंगे। तो इस चिमनी में ऑलरेडी क्या है, जेस्चर एक्टिवेट है, तो आपको अगर जानना है जेस्चर को कैसे अनलॉक करना है, देन इस वीडियो के एंड में आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा, आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप कभी भी किसी टाइम में जेस्चर को लॉक कर सकते हैं। आपका घर में बच्चा वगैरह अगर है तो किसी भी टाइम इस प्रकार उससे खेलते रहते हैं, तो इसी वजह से कंपनी ने एक फैसिलिटीज़ दिया है कि उसमें जेस्चर मतलब मोशन सेंसर को आप ऑफ कर सकते हैं, ओनली सिर्फ टच में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो चीज़ हमने बताया जेस्चर को ठीक करना अगर है, मतलब कैसे लॉक अनलॉक करना है, उसके लिए वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। और इसमें आपको अगर देखना है तो सबसे पहले फास्ट जो चीज़ आपको देखना है, जेस्चर अनलॉक लॉक है कि नहीं, अनलॉक इसमें ज़रूर है। सबसे पहले देखिए, हम इस प्रकार से आपको दिखाते हैं, जो भी जेस्चर अगर एक्टिवेट आपका है देन वहाँ पर वो ग्लो करेगा। देखिए ए वाला जो स्विच है ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है, बाकी जितना भी यहाँ पर स्विच है वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर खास करके पता चल रहा है कि इसमें जो है जेस्चर इसका एक्टिवेट है, मतलब मोशन सेंसर जो है इसका बंद किया गया है, जेस्चर को एक्टिवेट कर दिया गया है, मतलब जो मोशन सेंसर है वो आपका काम नहीं कर रहा है। तो आपको जेस्चर, ये जो जेस्चर ऑप्शन है इसको अगर बंद करना है, मोशन सेंसर इसको अगर बंद करना है, बंद करेंगे तभी आपका क्या होगा, मोशन सेंसर दोबारा चालू होगा। तो उसके लिए आपको पहले ही बता दिया कि उस वो वाला वीडियो को जाके देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। ये हो गया फास्ट करंट, उसके बाद आपका जेस्चर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से करके देख पा रहे हैं, सभी लाइट आपका सेम है, कोई ग्लो नहीं कर रहा है। देन आपको करना क्या है, जो कंपनी का टोल फ्री नंबर है, कुचिना का जो टोल फ्री नंबर है 1800419733, इस प्रकार का जो नंबर है उस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। और फ़ोन करके आप क्या कर सकते हैं, फ़ोन करके एक सबसे पहले तो कंप्लेंट रजिस्टर करवाइए, अपना नाम अपना डिटेल्स देके, कौन सा मॉडल वगैरह है सभी डिटेल्स देके कंप्लेंट रजिस्टर करें, आपके पास एक कोड आ जाएगा, डॉकेट नंबर जिसे कहा जाता है डॉकेट नंबर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कुचिना का ऑथराइज सर्विस सेंटर से 24 से 72 घंटे के अंदर आपका घर में आके आपका जो भी प्रॉब्लम है उसमें अगर नॉर्मली वो ख़राब हो चुका है वो चेक कर लेगा, अगर वो स्विच पैनल अगर चेंज करना होगा देन वो चेक कर लेगा, और नहीं तो आपको अगर खुद ही कर पाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप कंपनी के द्वारा उसको चेंज करवा लीजिएगा। नॉर्मली ठीक हो जाता तो अच्छा है, नहीं तो आपको ज़रूर डॉकेट करवाना, कुछ भी कुचिना का चिमनी का प्रॉब्लम उसमें आएगा तो आपको ज़रूर क्या है डॉकेट वगैरह कर लेना, हर एक कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो
तो देखिए हमने जेस्चर को डीएक्टिवेट कर दिया है। देखिए अभी ये ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए ग्लो, लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, जो पहले जैसा ग्लो कर रहा था ये वाला बटन, ये वाला स्विच, वो ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए जेस्चर मोशन सेंसर है जे, वो देखिए अभी काम कर रहा है। देखिए लो स्पीड, दोबारा करेंगे मीडियम स्पीड, थर्ड स्पीड, यहाँ पर देखिए लाइट भी जल गया है, ठीक है। इस प्रकार दो बार करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इसका मोशन सेंसर एक्टिवेट है कि नहीं है तो उसे बंद करेंगे, तो उसके लिए वाला वीडियो देख लीजिएगा। और नहीं तो अगर फिर भी अगर देखिए स्विच पैनल अगर ख़राब होता है तो कैसे आपको पता चलेगा, टच भी कर रहे हैं, टच से भी आपका काम नहीं हो रहा है, मोशन सेंसर कर रहे हैं, मोशन सेंसर भी काम नहीं कर रहा है, मतलब कुछ भी आपका ये काम ही नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है, प्लग को एक बार खोल के उसे दोबारा लगा लेना है, उसके बाद दोबारा चेक कर लेना है कि आपका यहाँ पर करंट वगैरह आया है कि नहीं, कुछ काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले प्लग को चेक कर लेना है, करंट है कि नहीं उसको चेक कर लेना है, वो सब अगर है प्रॉपर तो देन आपको टेक्नीशियन जो है डॉकेट करके आपको टेक्नीशियन को बुला लेना है। और इसका अगर प्राइस जानना है, आपका ये जो स्विच पैनल है इसको अगर चेंज करना है तो इसका प्राइस कितना पड़ेगा, कितने में आप इसे दोबारा चेंज करवा सकते हैं, तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। जिसको भी जानना है कमेंट कीजिएगा, हम वहाँ पर प्राइस बता देंगे, नहीं तो अलग से एक वीडियो बता दे देंगे। इसी चैनल में ऑलरेडी इसका प्राइस बताया गया है कि इसमें कितना इसका प्राइस दिया गया है।